जो सोच है ना, इसी नकारात्मक सोच के लिए हम थू बोलते हैं। स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में जाने लग गए हैं, ठीक है, कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं, मॉल में सब लोग बाहर जाने लग गए हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन छठ पूजा जो आस्था का पर्व है, क्या उससे कोविड हो जाएगा? ये जो सोच है ना, इसी नकारात्मक सोच के लिए हम थू बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। दिल्ली में प्रदूषण और कोरोना वायरस के हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में और यमुना किनारे छठ पर्व मनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद लोग यमुना किनारे पहुंचे और छठ पूजा धूमधाम से मनाते दिखे। आपको बता दें, दिल्ली का सबसे पुराना छठ घाट ITO पर सांसद प्रवेश वर्मा अपने समर्थकों के साथ छठ घाट पहुंचे और उनके समर्थकों ने नारा लगाया, छठ मैया के सम्मान में प्रवेश वर्मा मैदान में। हालांकि लोगों को यमुना नदी में प्रवेश करने एवं सूर्य भगवान को अर्घ देने से मना किया गया, लेकिन पास में ही उसकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें व्रत की हुई महिला स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया। इस पूरे मामले को लेकर व्रत की जो महिलाएं थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। छठ पूजा ये जो है हमारी धार्मिक आस्था का पर्व है, और जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास गए थे तब द्रौपदी जी ने उनके लिए व्रत किया था, और उसी समय की एक और कथा है, ये माना जाता है कि सूर्य पुत्र जो कर्ण थे उन्होंने भी आधे कमर तक पानी में रह के सूर्य की उपासना की थी, और माना जाता है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये छठ व्रत होता है। देखिए, आप जानते हैं कि पूर्वांचलियों को लेके उनका दोगला जो सोच है वो हमेशा नज़र आता है। जब हमारा कोविड हुआ था उस समय भी उन्होंने क्या हमारे साथ किया था ये सबने देखा था। उनका यही कहना था कि बिहार से लोग 50 रुपये में यहाँ आते हैं और 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। जिसकी मानसिकता इतनी दूषित होगी तो यमुना नदी के प्रदूषण को क्या रोक सकते हैं? आप खुद बताइए कि जब आप जो यहाँ हज हाउस बन रहा है, वो 100 करोड़ का हज हाउस है, उसको बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, पर यमुना नदी को साफ करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो इससे आपकी जो उनकी दोगली राजनीति है वो आप समझ सकते हैं। हिंदू विरोधी है, आपके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये 100% सही है कि वो हिंदू विरोधी हैं। जितना भी ईद होता है या और किसी जातियों या प्रजातियों की कोई भी चीज़ें होती हैं उनमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जहाँ हिंदुओं के त्यौहार की बात होती है वहाँ पर उनकी सोच बदल जाती है, उनके हर चीज़ पे वो रोक लगा देते हैं। आप खुद देख लीजिए, स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में जाने लग गए हैं, ठीक है, कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं, मॉल में सब लोग बाहर जाने लग गए हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन छठ पूजा जो आस्था का पर्व है, क्या उससे कोविड हो जाएगा? ये जो सोच है ना, इसी नकारात्मक सोच के लिए हम थू बोलते हैं। केजरीवाल जी बोल रहे थे कि पानी बहुत गंदा है, इस वजह से नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग जब सब कुछ खोल ही दिए, सब काम हो ही रहा है, गुरुद्वारा खुल गया, मस्जिद खुल गया, स्कूल खुल गया, मॉल खुल गया, सब कुछ हो गया, तो छठ पूजा के लिए इतना रोक क्यों? क्यों इतना रोक? ये भी तो धार्मिक काम है, साल में एक बार आता है ये पूजा, और हमारे पूर्वांचल वाले बड़े धूमधाम से इनके मनाते हैं, और हम पूरा देश के लिए मनाते हैं। कोरोना जैसी संकट में हमने खूब प्रार्थना किया था, आज देखिए 90% सबकी मांस उतर गई है, किसी को मांस? छठी मैया ने सबको बेड़ा पार कर दिया, सब ठीक है, तो इसमें इनको रोकना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी को कहना है कि कोरोना भी है इस लिए भी, और दूसरी बात प्रदूषण है बहुत ज्यादा यमुना में। प्रदूषण करते हैं तो प्रदूषण का क्यों न करते हैं, उसका करें हल निकालें, यमुना जी को सफाई क्यों न करवाते हैं? बिल्कुल, उनको हर चीज़ के लिए इसको साफ सफाई करने का जिम्मेदारी किसकी है? साबरमती नदी आज साफ है क्योंकि वहाँ के नेता ने, वहाँ का जो कहा जाता है ना कि देखभाल जो करने वाले, उन्होंने साबरमती नदी को साफ रखा है। तो जब हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तो यमुना नदी को साफ करने में इतनी कोताही क्यों? आप खुद बताइए, कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ आ रही थी जिसमें आप देख सकते थे कि झाग को साफ करने के लिए उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, तो कल को वो दिन दूर नहीं कि प्रदूषण को दूर करने के लिए पेड़ों के ऊपर हरियाली का छिड़काव किया जाएगा, तो हमें और आपको तैयार रहना पड़ेगा इस चीज़ के। हमारे लिए तो ये छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि पिछली बार हर साल नदी में मनाया जाता था, हाँ जी, नदी में नहीं मनाया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल के लिए? क्यों नहीं मनाने दिए? इतना काम तो हो ही रहा है, इतना भीड़ भड़ाका हो ही रही है, छठ पूजा के लिए मना कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? उनका कहना है कि प्रदूषण है और कोरोना
अब कौन कोरोना है? अब कौन कोरोना है? जो दशहरा में इतना कबाड़ा फंसाया तब क्यों न रोका, तब क्यों नहीं आने दिया मूर्ति? नवरात्रे में तो लोग फंसाया है सब सामान, अब छठ पूजा में क्यों रुकावट किया?